अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज मैं आया था सुबह सुबह सैर करने, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी साथ साथ आपके साथ शेयर करता चलूं। बहुत ही मज़ा आएगा यार। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होगी, ठीक है। बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी, ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसमें मैं आपको एंड पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एक्सरसाइज करने से और सुबह सुबह सैर करने से हमको फ़ायदे मिलते हैं, वह सब मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ मेरी सुबह की रूटीन क्या थी, सबसे पहले वो देखें। पहले तो सुबह सुबह मैं उठा, मैंने वज़ू किया और बाद में फजर की नमाज पढ़ी बाजमात, फिर उधर कुल शरीफ का ख़त्म था उधर बैठा, तो बाद में दुरूद पाक की तस्बीह की। उसके बाद मैं आकर वापस, उस वक्त मैंने सूट पहना था, आकर ये शर्ट पहनी तो दूध लेकर आया हूँ। तो ये शर्ट कल भी मैं काम पर भी पहन कर गया था, तो काफ़ी गंदी भी हो गई, अभी ये मैंने चेंज भी करनी है जी। तो शर्ट मैंने चेंज कर ली है, तो अभी बूट भी चेंज करने वाले हैं, वो भी चेंज कर लूँ मैं। किधर नो? अच्छा जी, ठीक हो गए। कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, उधर बूट वगैरह भी पहने, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ सैर करने के लिए। तो इधर मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि ये इधर हमारा गांव के बाहर वाला एरिया है, ये देखें माशाल्लाह पूरा एक बाग बना हुआ है। ये इधर अमरूद के हैं दरख्त, वो उधर है जामन का दरख्त, वो आप देख सकते जी। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया कि मैं किधर आया हूँ अभी सैर करने। तो अभी सबसे पहले तो मैंने करनी है रनिंग, बाद में आपको मैं उसके फ़ायदे बताऊँगा कि क्या होते हैं, ठीक है। तो वॉक करने का सबसे पहला फ़ायदा है कि बूस्ट यूर एनर्जी, ठीक है। बूस्ट यूर एनर्जी मीन के यार, आप अगर सुबह सुबह आते हैं ना बाहर, ठीक है, तो आप अपने जिस्म को जब ऐसे दौड़ोगे गर्मी थोड़ी सी पैदा होगी, और सुबह सुबह का माहौल देखकर आपको जो एनर्जी मिलेगी जिस्म को और ख़ुशी मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जिस्म मेंटली भी और फिज़िकली फ़िट रहेगा। तो आप सारा दिन उसी ताकत से सारा दिन काम कर सकते हैं, और हर काम में आपका इंशाल्लाह दिल भी लगेगा और बंदा पूरी तरह अपने आप को फिट महसूस करता है, तो काफ़ी खुशी भी होती है और हर काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि वॉक की वजह से आप अपने जो मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये नहीं सिर्फ यही, जितने भी बॉडी के हैं लेग्स के मसल हो गए, ठीक है, उन सब को स्ट्रॉन्ग रखने में भी ये बहुत ही काम आती है। अगर आप सुबह उठकर एक आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा एक्सरसाइज करें या वॉकिंग करें, तो कहीं भी जिम में जाने की, कहीं भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कई तरह की बीमारियां, शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर और जितने भी बीमारियां दिल की भी, ठीक है, ये सब बीमारियों से सुकून देती है। और शुगर के मरीज़ के लिए ये इंतहाई ज़रूरी अमल है, वो सुबह सुबह उठे। और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी इधर शबनम पड़ी हुई है सुबह सुबह, उस पर भी चले, ज़रूर चले, तो उसकी आप देख सकते हैं इधर शबनम पड़ी हुई है, ठीक है। सुबह सुबह का वक़्त है अभी, तो थोड़ा सा मैं लेट हूँ तो इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, पर इस पर चलना भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, गन्ना तो एक दो जी चुप नहीं। मुझे ना एक प्रॉब्लम है कि जब ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी होती है ना, तो मेरे जिस्म में काफ़ी इधर एलर्जी होने लगती है और दाने वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए ये गन्ना उसके लिए खाना बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ये बहुत ही जिस्म को ठंडक देता है अंदर से और बंदे को बहुत ही फिट रखता है। तो इसलिए गन्ना भी एक रोज़ाना खाना चाहिए अगर मौसम हो तो।
रहते हैं ना हम काम पर, तो उधर एक बाबा जी हैं, वो हैं तकरीबन 104 साल के, और वो पट्ठे हैं तकरीबन 20 किलो जो वो इधर उठा लेते हैं कमर पर। और हमने उनसे कहा कि यार ऊपर रख दो इस रक्षे पर हमारे, हम आपको ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज तुम ले जाओगे, कल को कौन ले कर जाएगा, इतने इतने एक्टिव बंदे हैं दुनिया में। ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सुबह सुबह वॉकिंग करने के कितने फ़ायदे हैं। सिर्फ आधा घंटा लगाना है और बंदा हर बीमारी से भी दूर रहता है और उसकी सेहत भी ठीक रहती है। ये सुबह सुबह आप आवाज़ें सुन सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही सुकून मिलता है आवाज़ सुनकर, बहुत ही दिल को प्यारा लग रहा है। ये इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये लहसुन की फसल है माशाल्लाह। बहुत ही यार लोग हमारे गांव के ना बहुत ही मेहनत है, बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही मेहनती इंसान है, तो अल्लाह ताला उनको फल भी देता है। इस माशाल्लाह फसल काफ़ी महंगी गई है हर फसल ही, और जो है ज़मींदारों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अभी मैं इधर सड़क पर आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं इधर, तो इधर कंडा है, उधर दूसरे इलाके से उधर से पठान आते हैं और उनसे बात करते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम खान। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ कैसे हो? खैर है, ठीक है, नहीं मिलते हैं। तो आप किस इलाके से आए हो? हम स्वात का। स्वात? हाँ स्वात का। ठीक, तो उधर क्या काम है ज्यादा मशहूर? मशहूर यार बस क्या है, बस सेब अखरोट, अखरोट अच्छा, खुरमानी रू सब कुछ है। ठीक ठीक, तो पिछली बार आप ज्यादा लोग थे, इस बार कम हो गया? इधर कम नहीं यार थोड़ा। अच्छा ठीक ठीक, हर तरफ ही बेरोजगारी। हाँ रोजगारी बहुत है यार इमरान खान दौर में, ये बात है बस। ये है मटरों की फसल इधर, और अभी मूली एक खाने को दिल कर रहा है, वो भी तोड़नी है इधर से, ये देखें। तो अभी सैर करके मैं इधर गांव पहुंच चुका हूं वापस। याद आना मसाला दे रहा है, ये देखें आप इधर और नहीं। ठीक है जी। तो मैं सैर करके वापस आया तो मम्मी जान ने नाश्ता बनाया हुआ था, उन्होंने कहा कि नहा कर कपड़े चेंज करो पहले, तो मैंने कपड़े चेंज किए, नहाया और बाद में फिर नाश्ता किया। भाई भाई कह रहे हैं बाइक साफ कर दो, उन्होंने कहीं जाना है। क्या बाइक साफ करने? यार भाई जान ने कहीं जाना है शायद, तो मुझे भी कह रहे थे सुबह, तो इसलिए बाइक उनकी साफ करनी पड़नी है पहले, तो वो मैं कर दूँ। जी तो मैंने ये काम मुकम्मल कर दिया है, गाड़ी भी साफ कर दी है। तो आज का व्लॉग बेसिकली इस चीज़ पर था कि आप भी एक अपने ज़रूरी टाइम में से आधा घंटा सिर्फ निकाला करें, सुबह सुबह वॉक किया करें, इससे आप फिज़िकली और मेंटली भी फिट रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अपने दोस्त मीर साद को दीजिए इजाज़त। ओके अल्लाह हाफ़िज़।